हेलो नमस्कार, मेरा नाम जिम्स मैथ्यू, मैं प्रोफेशनली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, PhD किया हुआ है रांची से। तो मेरा बचपन से ही डॉग्स का एक पैशन है और कई ब्रीड में पाला हूँ और ब्रीडिंग भी किया हूँ, बट मेरे लाइफ में सबसे अच्छा एक ब्रीड मुझे लगा डोबरमैन है। डोबरमैन इसलिए कि डोबरमैन अपने नेचर से बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छे ट्रेन कर सकते हैं। डोबरमैन सिर्फ ऐसे एक ब्रीड है जो हम अपने तरफ से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप एक घर पे बहुत बच्चे टाइप के बहुत मतलब प्यारा पालना चाहते हैं वो आप ऐसे पाल सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा गार्डिंग पर्पस देखेंगे तो उसके लिए भी आप उसके उसी तरह से पाल सकते हैं, आप ब्रिंगिंग कर सकते हैं। तीसरा, अगर आपको डोबरमैन सिर्फ भौंकना है, अगर कोई लोग आ गए ठीक है तो उसको अलर्ट देना है हमको, तो ऐसे आप पाल सकते हैं। तो आपका मतलब पर्पस क्या है, वो पर्पस से आप उसको अपब्रिंगिंग कर सकते हैं। वो सिर्फ वही ब्रीड है। और मेरे पास मान लो इसका भी एक फीमेल है, एक पप्पी भी अभी नया लिया है, क्योंकि हमारा बेसिकली ब्रीडिंग डोबरमैन का ब्रीडिंग प्लस ट्रेनिंग सेंटर है, ट्रेनिंग सारे डॉग्स का करते हैं। तो ट्रेनिंग के लिए डोबरमैन से और अच्छा है माल नॉइस, क्योंकि हम उनसे बहुत कुछ करा सकते हैं। बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत हाइपर है। डोबरमैन का भी लिमिटेशन होता है, बट जहाँ डोबरमैन का लिमिटेशन रह जाता है उसके पार हो जाता है माल नॉइस। तो इसलिए माल नॉइस का भी ब्रीडिंग हम आगे शुरू करेंगे सोच रहे हैं, तो इसीलिए एक छोटा सा पप्पी भी लिया हुआ है। डोबरमैन बहुत सारे हैं अभी मार्केट में, तो अमेरिकन डोबरमैन बोलते हैं, लैटिन अमेरिकन डोबरमैन बोलते हैं, यूरोपियन डोबरमैन बोलते हैं। नेट में हम देखेंगे तो उसका अलग अलग क्लासिफिकेशन मिलता है सब, मतलब अधिकतर तो यूरोपियन कंट्रीज से जो मतलब आर्टिकल्स लिखा हुआ है वो सबसे हम लोग समझ सकते हैं, बट एक्चुअल देखने में ये उससे कुछ मिलता जुलता नहीं है। ये इसलिए कि प्योर अमेरिकन वो हम समझ सकते हैं, क्योंकि वो छोटा सा हेड होता है, लंबा नोस होता है, मतलब बगुला टाइप का हेड हो जाता है, लंबा वाला पतला, और उसका बहुत अच्छा शो क्वालिटी का रहता है, कॉम्पैक्ट है वो। और यूरोपियन जब हम देखेंगे तो नेट में वगैरह हम लोग पढ़े होंगे उसका छोटा सा शॉर्ट नेक होना चाहिए, मोटा होना चाहिए नेक, हेड साइज में होना चाहिए, और उसमें भी मतलब डार्क टैन होना चाहिए, हाइट वाइज अच्छा होना चाहिए, लेंथ वाइज अच्छा होना चाहिए, ये सब। और ये सब फिजिकल फीचर्स है। अधिकतर लोग कोई भी डॉग्स को देखते हैं फिजिकल फीचर्स पे चलता है, बट एक ब्रीड सेलेक्ट करते हैं तो सिर्फ फिजिकल फीचर्स पे नहीं चलना चाहिए, उस पर कैरेक्टर पे भी चलना चाहिए, क्योंकि आजकल तो लैब्राडोर अब हम लोग जानते हैं ब्रीडिंग करते करते इतना ख़राब कर दिया, ठीक है। आजकल तो मस्टिफ से वगैरह मेटिंग करा करके रिंगल्ड वाला लैब्राडोर आ रहा है और पग टाइप का रॉटवीलर आ रहा है, तो कस्टमर के जो इंटरेस्ट है उसके हिसाब से मिलाते 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 पूरा ब्रीड ही ख़त्म कर दिया। तो देखने में तो है लैब्राडोर है, रॉटवीलर है, डोबरमैन है, बट उसमें अंदर जो कैरेक्टर है वो चेंज होता है। क्यों हम लोग डोबरमैन सेलेक्ट करते हैं या लैब्राडोर सेलेक्ट करते हैं, मालिनोइस सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि वो ब्रीड स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नमक क्वालिटी हमको मिलना चाहिए, तभी हम उसको वो डॉग से हम लोग सेटिस्फाई हो जाएंगे। हमारा पर्पस क्या है, तो अभी ऐसे नहीं है कि रोड मतलब लैब्राडोर काटने शुरू किया, लैब्राडोर ऐसे पप्पी डॉग नहीं है, बहुत प्यारा सा पप्पी है, तो वो अभी रॉटवीलर टाइप का काटने शुरू किया, तो ऐसे ऐसे बहुत कुछ मिलावट हो जाता है। तो ये यूरोपियन डोबरमैन में भी इसी तरह का है, उसमें मिक्सिंग करा करके ऐसे यूरोपियन डोबरमैन बोल करके एक ब्रीड है या नहीं है, और अमेरिकन डोबरमैन करके कोई ब्रीड है नहीं है, ये सब मिलके मतलब मिक्सिंग करते करते लोग अपने से बनाते हैं। ओरिजिनल डोबरमैन द डोबरमैन पिंचर, ओके, द फ्रेंच द जर्मन टैक्स कलेक्टर हु हैज डेवलप्ड इट, वो डॉग इससे बहुत अंदर है, ठीक है। वो ना तो प्योर अमेरिकन टाइप का है ना तो यूरोपियन टाइप का है, तो बीच में आ जाता है, उसमें ये सारी क्वालिटी हम लोग को मिल जाता है, बट ये जो अभी मिक्सिंग से बताते हैं उसमें पूरा क्वालिटी नहीं मिल जाता है। तो हेवी टाइप का बड़ा बड़ा डोबरमैन मैंने देखा है कि जिसमें एकदम टेम्पर नहीं है, अनजान लोगों को भी देख करके लैब्राडोर टाइप के सोते रहता है, तो उसका क्या क्वालिटी है, उसको क्यों हम लोग पालेंगे। डोबरमैन इसलिए पालते हैं कि
हमारा प्रोटेक्शन के लिए हो जाए, क्योंकि उसको देख करके थोड़ा लोग थोड़ा डरे हमारे प्रॉपर्टी में आने के लिए, हमारा प्रॉपर्टी बचाने के लिए हमको कुछ चाहिए ना, तो ये सब लोगों का पर्पस रहता है। तो ऐसे क्वालिटी नहीं है, बड़ा हेड है, बड़ा साइज है, बट टेम्परमेंट बिल्कुल नहीं है। हम आगे क्लैप करें तो भाग जाता है पूंछ नीचे पीछे करके, ऐसे नहीं होना चाहिए डॉबरमैन। डॉबरमैन अनजान लोगों को देख करके ऐसे रहना चाहिए, मारे पीटे या कुछ भी हो ऐसे ही रहेगा, वो हटेगा नहीं पीछे। तो ऐसे डॉबरमैन को मिलना चाहिए। तो हमारे लॉयल कैनल का एक ही इरादा है, उसको वर्किंग लाइन बहुत अच्छे टेम्परमेंट वाला पपी को ब्रीड करने का। तो हम लोग हम भी मिला लेते हैं, मतलब साइज़ भी मतलब टॉप में रखने के लिए कोशिश करते हैं, उसका टेम्परमेंट भी। और रिसेंटली एक वीडियो मैंने स्कूबर चैनल में भी देखा था, उसमें एक उसका नाम मैं भूल गया, वही बता रहे थे कि मतलब वर्किंग लाइन डॉबरमैन सब लोग बोलते हैं, मतलब वर्किंग लाइन डॉबरमैन रॉटवीलर के बारे में वो बोल रहे थे। तो उसमें वो बोलते हैं कि बच्चे से उसको कैसे हम लोग अपब्रिंगिंग करते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज़ देना पड़ता है, उसको माइंड को शार्प बनाना पड़ता है, हमेशा केज में रख के वो बुद्धू बन जाता है। तो उसके अगले जनरेशन जो आएगा बुद्धू ही रहेगा ना। तो ये छोटे पपी को हम लोग ट्रेनिंग करके बहुत मतलब एक्सपोजर देख करके उसका क्लाइंबिंग कराना, चढ़ाना, हाई जंप, लॉन्ग, मतलब सारे चीज़ें कर करके उसको शार्प बनाते, तो अगले जनरेशन में वही टाइप का पपी हम लोगों को मिल जाता है। तो हमारे सेंटर का यही इरादा है, उसको अच्छे ब्रीड, मतलब साइज़ में भी अच्छा होना चाहिए, बहुत गुड लुकिंग होना चाहिए, उसी तरह उसका क्वालिटी भी एकदम डॉबरमैन टाइप का रहना चाहिए। तो हम लोग से यूरोपियन डॉबरमैन है भाई आपका आपके पास, तो मैं नहीं बोलता हूँ, मेरे वर्किंग लाइन डॉबरमैन है, पेरेंट्स का पिक्चर में डाल देता हूँ, वीडियो देता हूँ, आपको अच्छा लगेगा तो देखिए, आप बताइए यूरोपियन है। तो अगर मैं अपना डॉबरमैन को इसको यूरोपियन बोलेंगे, इसको स्थापित करने के लिए मेरे कुछ चाहिए ना, मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि कंपैरिजन होना चाहिए, एक मास्टरपीस होना चाहिए। ये मैं यूरोपियन बोल दिया तो यूरोपियन यही स्टैंडर्ड रखा है, तो इससे मिलना जुलना चाहिए ना। तो 10 डॉबरमैन को रखें तो 10 टाइप का हो जाता है। तो उसका एक ही मतलब क्या बोलते हैं, उसमें कोई कंपैरिजन नहीं कर पाता है, किसी किसी में लेंथ ज़्यादा है, किसी किसी में हाइट ज़्यादा है, वो किसी किसी में हेड साइज बहुत बढ़िया है, बट ये सब मिलते एक डॉबरमैन हमको मिलता नहीं है। और ये सब मिलेगा तो बॉडी फीचर सब मिलेगा तो उसका कैरेक्टर नहीं मिलता है। तो बात ये है, हमको ब्रीडर्स को अच्छे तरफ से जानना है, क्रेडिबिलिटी जिनका है उनसे मिलना है, और डॉबरमैन का पेरेंट्स को देखना है, उसका बॉडी फीचर से हम लोग सेटिस्फाइड है कि नहीं, बाकी उसका क्वालिटी, उसका टेम्परमेंट, ट्रेनेबिलिटी, वो सारे इंटेलिजेंस वो हमको देखना है, उसको देख करके पप्पी लेना चाहिए। और हमारे केनल का नाम लॉयल केनल है, वो कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट, केरला कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट में एटमानूर में है अभी केनल, घर के अटैच्ड है, केनल रखा हुआ है। हमारे यहाँ पे 20 डॉग्स है, उसमें 10-15 डॉबरमैनी हैं, बाकी सब तो एक तो मालनोइस है, एक लैब्राडोर मेल पपी को रखा हुआ है, एक रॉटवीलर मेल को रखा हुआ है, बाकी सब ब्रीडिंग मेनली हम डॉबरमैनी फोकस करते हैं। तो बहुत सारे कस्टमर्स हमारे होता है पूरे इंडिया में, तो पंजाब, झारखंड, राजस्थान, गुजरात, हर जगह पपी ले जाते हैं। तो हम लोग ये कि मतलब हमारे पूरे कस्टमर का डिटेल्स हम दे सकते हैं, आज तक किसी ने कोई कंप्लेन नहीं किया, क्योंकि जो हम बोलते हैं वो हम अपना वादा पूरा करते हैं। तो हमारा फेसबुक में भी पेज है, आप देख सकते हैं, मतलब कैसे कमेंट आता है, कोई भी कोई कंप्लेन किया हुआ या नहीं है वो सब देखते हैं, क्योंकि हम अपने ईमानदारी से करते हैं, रेट भी बहुत कम करते हैं, तो हर महीने 1-2 डॉग डिलीवरी होना ही है, तो हमको बच्चे में कोई कमी नहीं है, हम बेच सकते हैं बहुत, मतलब 1 लाख मतलब 1.5 लाख उसमें एक पपी कितने लोग खरीद सकते हैं, कोई नहीं खरीद सकते। कुत्ते में आजकल हमारे मतलब लाइफ में जो एक्सपेंस इतना ज़्यादा बढ़ गया, तो अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, अपने उनका खाना पीना देखेंगे या कुत्ते को पालेंगे, तो बहुत बड़ी समस्या हो गया। वी वांट डॉबरमैन ऑफ परफेक्ट क्वालिटी इन एन अफोर्डेबल प्राइस।